आज हम कच्चे आम की खटाई बनाना सीखेंगे। इसे आप कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। गर्मियों में कच्चे आम आसानी से मार्केट में मिलते हैं। इसको आप खाने के साथ चटनी के रूप में खा सकते हैं। अगर आप कुछ दही बड़े बना रहे हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में जो बहुत बाहर गर्मी होती है, लू होती है, उससे बचाने के लिए भी इसको खाने के साथ खाया जाता है। तो चलिए आज सीखते हैं कच्चे आम की खटाई कैसे बना सकते हैं। ये हमने आधा किलो कच्चा आम लिया है और इसको छील लिया है। हाँ जी, अब इन्हें कैसे काटना है ये देखिए, कितने बड़े पीसेस करने हैं। ऐसे काटेंगे, इतने बड़े बड़े पीसेस। आमी को ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट लेना है। इसी तरीके से सारे आमी काट लेंगे। इसे लंबे पीसेस में आम को काटना है। इस तरीके से सारे आम काट लेंगे। हाँ, इसको खटाई बोलते हैं। कच्चे आम के हम खटाई बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, ये मेथी और लाल मिर्च, हल्दी, नमक और सौंफ, ये चार पांच चीज़ ली हम, और ये गुड़ छौंकने के बाद ये गुड़ डालना है। कितना हिसाब होना चाहिए गुड़ का? लगभग गुड़ इसके बराबर होना चाहिए। अगर हमने आज आधी किलो आमी ली है तो आधा किलो के आसपास ही गुड़ होना चाहिए। ठीक। एक चमचा सरसों का तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका, अब हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे। एक छोटा चम्मच मेथी डाली है। एक छोटा चम्मच सौंफ। एक छोटा चम्मच सौंफ। हल्का सा ब्राउन होने पर हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डाली है। जितनी आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्च डालिए। एक चम्मच मिर्च डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कटी हुई अच्छी आमी डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डाल दो। क्या हिसाब होगा पानी का? हिसाब ये है आधा किलो में लगभग दो गिलास पानी। अच्छा, और जैसा मुझे दिख रहा है कि जिसमें ये आमी डूबी हुई दिखे पानी में, इतना तो हो और अभी पकेगा भी। स्वाद अनुसार नमक डाल लो। उबाल आने के बाद इसमें गुड़ डाल देंगे। अच्छा, अभी पहले इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे पानी। हाँ, फिर बोलो। हाँ, उबाल हाँ, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और अब हम इसमें मीठा डालेंगे। अगर हमारे पास गुड़ नहीं है, शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये चीनी का भी बन सकता है। तो अगर गुड़ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ट अच्छा लगता है। टेस्टी जो ये गुड़ से बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अल्टरनेट आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जो गुड़ हमने इसके अंदर डाला था वो पूरा मेल्ट हो चुका है और अच्छे से उबाल भी आ गया है। अब आप गैस बंद कर सकते हैं और खटाई बिल्कुल तैयार है। कच्चे आम की खटाई बिल्कुल तैयार है। देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी आसानी से आप घर पे कच्चे आम का इस्तेमाल करके कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप दाल के साथ इसको खाइए, किसी और सब्जी के साथ सर्व कीजिए, बहुत यमी होती है और ये गर्मी में लू से भी बचाती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पे ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल बटन है, उसे ज़रूर क्लिक करें। उससे आपको मेरे आने वाले और नए और इजी क्विक रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऐसे ही लाजवाब और नई रेसिपीज़ के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।